लंकापति रावण, असुरों का राजा, 10 सर, वेद पुराणों का भरपूर ज्ञान, लेकिन अहंकार से भरा मन। इसी अहंकार के कारण लाख अच्छाइयां होने के बाद भी रावण का विनाश हुआ था। रावण की ही तरह हमारे पुराणों में ऐसे कई और असुर हैं जो बहुत ताकतवर थे, पर उन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और ऐसे ही असुरों का नाश करने के लिए देवी देवताओं ने अलग अलग रूप लिए और इस सृष्टि को उनके पापों के बोझ से मुक्त किया। इस सृष्टि में हमारे पौराणिक कथाओं को दिशा देने में इन असुरों के अस्तित्व का काफी महत्व है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही असुरों के बारे में जानेंगे जिसे मार पाना लगभग असंभव था। भैंसे का सर और इंसान का शरीर लेकर जन्मा एक भयानक राक्षस, जिसे ना कोई पुरुष मार सकता था और ना ही कोई जानवर, महिषासुर, जिसने ब्रह्मा जी से ये वरदान हासिल किया था कि संसार का कोई भी पुरुष या जानवर कभी भी उसका वध ना कर सके। ब्रह्मा जी ने उसकी इच्छा को पूरा किया, पर साथ ही उसे यह चेतावनी भी दी कि उसका वध एक औरत के हाथ जरूर हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। अहंकार में डूबा महिषासुर समझता था कि कोई औरत इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती कि उसका वध कर सके, और इसलिए वह खुद को अमर समझने लगा। उसने पूरे संसार में कहर बरसाना शुरू कर दिया और फिर बारी आई इंद्रलोक की। जब महिषासुर और देवताओं के बीच युद्ध छिड़ा तो ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी देवता उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। महिषासुर के आतंक से देवलोक को बचाने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ने अपनी सारी शक्तियों को एकत्र किया और तब प्रकट हुई माँ दुर्गा। माँ दुर्गा जो देवी पार्वती यानी स्वयं शक्ति का ही रूप है। मार्कंडेय पुराण के देवी महात्मा के अनुसार अपने शेर पर सवार माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। महिषासुर अपनी शक्तियों से कई दिनों तक अपना रूप बदलकर माँ दुर्गा के साथ छल करने का प्रयास करता रहा, पर जैसे ही वो एक भैंसे के रूप में आया, माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती को फाड़ कर उसका वध कर दिया और तभी से देवी को नाम मिला महिषासुर मर्दिनी। सिंहिका नाम की एक असुरी ने हजारों साल तप करके ब्रह्मा जी से ये वरदान हासिल कर लिया कि वो किसी भी चीज या जीव को उसकी परछाई से पकड़कर अपनी ओर खींच सकती है। ये वही असुरी थी जिसका सामना समुद्र के बीच बजरंगबली हनुमान जी से हुआ था। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के अनुसार हनुमान जी माँ सीता से मिलने लंका जाने के लिए महासागर को पार कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक से महसूस हुआ कि कोई अनदेखी शक्ति उन्हें पीछे से खींच रही है। जब उन्होंने नजरें घुमाई तो उन्हें पहाड़ों के पीछे छिपी सिंहिका दिखाई दी जो उनकी परछाई को खींच रही थी। हनुमान जी ने खुद को एक कीड़े के समान छोटा कर दिया और वो सिंहिका के मुख से होकर उसके शरीर के अंदर चले गए। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से सिंहिका के आंतों को फाड़ दिया और तेज गति से उड़कर उसके शरीर से बाहर आ गए। सिंहिका दर्द से कराह उठी और भागकर कहीं छिप गई। कुछ लेजेंड के अनुसार जिस जगह जाकर सिंहिका छिपी थी आज वहां बरमुंडा ट्राइंगल है। बरमुंडा ट्राइंगल को एक ऐसा जगह माना जाता है जो किसी भी चीज को अपनी ओर खींच लेता है और फिर वो चीज हमेशा के लिए गायब हो जाती है। ये वही शक्ति है जो सिंहिका के पास थी। अपने खून की हर एक बूंद से पुनर्जन्म लेने वाला एक राक्षस, जिसे मारने के लिए देवी शक्ति ने माँ काली का रूप लिया था। कहते हैं रक्त बीज के खून की बूंद जहां गिरती थी वहीं से एक दूसरा रक्त बीज जन्म ले लेता था। देवी भागवत के 5वें स्कांद के अनुसार रक्त बीज को ये वरदान शिवजी से प्राप्त हुआ था। एक समय ऐसा आया जब देवताओं और असुरों के बीच महायुद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के दौरान रक्त बीज देवताओं के लिए समस्या बन गया क्योंकि उसके वरदान के कारण उसे मारना लगभग नामुमकिन हो गया था। रक्त बीज के विनाश के लिए देवी ने माँ काली का रूप लिया। लाल आंखें, खुले बाल, माथे पर तीसरी आंख, गले में खोपड़ियों की माला और कमर पर कटे हुए हाथों और पैरों से बना कमरबंद, एक हाथ में कटा हुआ सर और दूसरे हाथ में खून से सनी तलवार लेकर माँ काली रक्त बीज की ओर बढ़ी और रक्त बीज पर अपनी तलवारों से कई वार किए। माँ काली अपने जीभ से रक्त बीज के शरीर से निकलते खूनों के एक एक बूंद को पी गई और इस प्रकार रक्त बीज का अंत हो गया। आपको क्या लगता है कौन सा असुर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, हमसे जुड़े रहें।